पीपीसीसी दे प्रधान कोई नव नियुक्त होया होवे, हुकमरान दी सरकार होवे और उन्हां दे हलके नाल संबंधित चेयरपर्सन उन्हां नू इलैक्शन तो 5-6 महीने पहला छड़ दवे, इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आने वाले हालात कांग्रेस पार्टी लिए कहे जे बनणगे। और मैं एक गल दी तां इह बीबी जी उन्हां नू वधाई दिंदा कि इन्होंने तो आपका फैसला असूलन कर लिया, मगर बड़े हैरानगी की गल है कि जेडे कुछ वजीर ने चार यहजे पंजाब सरकार च मैं कह सकता लफ्ज वरतने तो नहीं चाहिए मगर झटकी भाषा से जो कह दिया अहदे की भुख से ढीठपना हद तो वध वेखन नूं मिल रहा है कि जे थोनू आपदे मुख्यमंत्री ते भरोसा नहीं रह गया ते तुसी तां आपदा उहदा छड्डदे नहीं, मगर एक ब्लॉक समिति की एक लेडी होने के नाते तुसी उहदा दृढ़ इरादा वेखो। और मैनू पता अज तो बाद उहते दबाव भी बड़ा पैना कि जी ये तो एवें अकाली धक्के नाल इन्होंने फैसला करा दिया, कुछ करा दिया, आपकी मर्जी नाल इत्थे आके बैठे आ क्योंकि सरकारां बहुत कुछ करदियां ने। मगर मैं समझदा उन्हां वजीरां नूं कुछ सीखण की लोड़ है कि तुसी एडा ढीठपुणा ना विखाओ, जे थोनू इफ यू लॉस्ट फेथ इन योर चीफ मिनिस्टर फिर थोनू अस्तीफा दे देना चाहिए। और अस्तीफा दे के जो असी श्रोमणी अकाली दल ने विधानसभा च गल उठाई सी कि वोटिंग होवे, क्योंकि कांग्रेस तीन हिस्से च वंडी गई है, एक तो कांग्रेस ठोकोताली ग्रुप बन गया, एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह दी बनी पई है और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना। वो बेचारे कदे सवेरे पता लगता है इनू खड़े होंदे, दोपहर नू पता लगता उन्हू खड़े हो जाते हैं। इन हालातों पंजाब दे लोकां दा पंजाब दे मुद्दियां दा की बनना। और कल तुसी वेखो बड़े जिथे मैं बधाई देना चाहुंदा साडे किसान लीडरशिप नू किसानां नू कि ठाठा मारदा कट्ठ उन्होंने मुजफ्फरनगर च किया। और मैं समझदा कि ये दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप नू जिहड़ी सेंट्रल सरकार है भाजपा की लीडरशिप है उन्होंने एक साफ तरीके नाल एक रेड फ्लैग है कि जे किसानां दी देश दे अन्नदाता दी नहीं सुनोगे तो लखां करोड़ां दे कट्ठ होने हैं और ये लोगों ने थोनू कदे माफ नहीं करना। और मेरी अज अपील है सारी पोलिटिकल पार्टीज़ नू कि हुण पॉलिटिक्स तो उत्ते उठ के एक दूजे ते जाके किसान झंडिया थले विरोध करन दी थां जिस तरीके की एकजुटता पंजाब दे दुनिया भर के किसानां ने विखाई है ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ नीड टू कम टूगैदर। और उही सबूत जो मुजफ्फरनगर च किसानां ने दिता वह जा सबूत कट्ठे होके एक झंडे थले कट्ठे होके किसानी मुद्दे ते कट्ठे होके जय जवान जय किसान दे उस नारे थले कट्ठे होके अज देश दे अन्नदाता दी लड़ाई लड़न दा समा आया। और मैं आस करदा उम्मीद करदा दैट सारी पंजाब दी पोलिटिकल पार्टीज ए पंजाब दा माहौल खराब करन दी जगह पंजाब च बॉर्डर स्टेट दे हालात बगाड़न की जगह एक जगह पर एक मंच से कट्ठे होकर किसानी मुद्दों पर कट्ठे होकर लड़ाई लड़न का मन बनाएंगे। असी प्रोग्राम इसलिए हले आपदे रोके है क्योंकि असी नहीं चाहते कि जेडे माड़े अंशर इच बड़े है विच मैं उन्होंने किसान नहीं कह सकता क्योंकि किसान तो शांतमई है, किसानों ने शांतमई आपदी अंदोलन असी वेख रहे हैं पिछले 9-10 महीने के दिल्ली के बॉर्डर से बह के वह चला रहे हैं, लड़ाई दिल्ली के सरकार नाल है, मगर जो सियासी पार्टी का जिस तरीके विरोध करना। और मैं तो फोटो भी जनतक कीतिया ने कि लोग ने जिहड़ा जिन्हां नूं मैं ज्वाइन जद कराउण जाना श्री हरगोबिंदपुर साहब जब मैं गया सी मैं सिटिंग काउंसलर जिन्हां नूं हुण कांग्रेस ने टिकट दित्ती सी उन्होंने चार सिटिंग काउंसलर ज्वाइन कराउन गया जिन्हों वो प्रधान बनाना चाहते थे जो 3 बारी उतों का प्रधान रहा। और विद फोटोग्राफिक एविडेंस एक गल स्पष्ट की कि किसानों ने मेरे नाल गल की
ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ। ਔਰ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਰਨਾਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SDM 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿਰ ਫੋੜਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 7 MLA ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 416 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ
कि कुछ वजीरां ने चार वजीरां ने कहा कि सानू सीएम ते भरोसा नहीं है। जे थोनू भरोसा नहीं फिर ढीठा मांगू उत्थे क्यों बैठे हो, और जे थोनू भरोसा नहीं तो तुसी सीएम नू चिट्ठी क्यों लिख रहे हो कि बटाले नू जिला बनाता जावे। जे थोनू भरोसा ही नहीं उस मुख्यमंत्री ते फिर तुसी लोकां दी अखां च घटा ना पाओ, या तुसी लोकां दी अखां च घटा पाउने या तुसी आप लोकां दे मुद्दे ते सीरियस। और मेरा यही काम सी कि जे ठोको ताली कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लियाऊगी, असी वोटां दी मंग कीती कि इन्हां दा चेहरा नंगा हो जूगा कि ये रल के खेड रहे फिक्स्ड मैच खेड रहे कि लोकां दे मुद्दे ते संवेदनशील है। स्पष्ट हो गया कि लोकां दे मुद्दे उन्हां लई कोई मुद्दे नहीं, ये तो कल्ला कुर्सी की लड़ाई है। वो मैं चेहरा नंगा करना सी उहदे च असी कामयाब होए। कल टीचर्स डे भी सी और कल टीचर डे ते भी भावें सिंगला साहब एक बहुत हाई सिक्योरिटी ला के उन्होंने आपदा जेडे टीचर्स नू सन्मानित किया, मगर जेडे वड्डी गिनती च सी वो आपदी मंगा नू लैके सड़कां ते सी, वो असली आवाज सी। किथे सिंगला साहब उत्थे जाके गल सुनन दी हिम्मत रखदे ते मैं समझदा वाकई साडे जो गुरु दा रूप है उन्हां दी गल सुनी गई है। असी बना देना सब गुरु कृपा करो। मैनू तो मोटी जी गल है ये जेड़ा बिहाइंड द कर्टन हो रहा ना ये मैं तो उसकी गल कर रहा कि जे थानू भरोसा नहीं मुख्यमंत्री ते फिर तुसी मुख्यमंत्री दे नाल क्यों, दोवें काम नहीं चल सकते। जदों तो मलविंदर कंग जेड़ा जनरल सैकटरी है भाजपा का और सबका वह प्रधान रहा यूनिवर्सिटी विंग का और सब तो नेड़े कमल शर्मा का अपना सॉरी अश्विनी शर्मा जी का बंदा मनिया गया, वो आप च जावे तो ठीक है ते जे कोई किसानी मुद्दे ते लड़ाई लड़के जिन्हों पार्टी कढ़ दे आपकी पार्टी चो साडे नाल आवे तो नहीं ठीक है। इतों ही स्पष्ट हो जाता कि ढिड पीड़ हो रही है इन्हों हाजमोला उजमोला खवा देने को जाए तो कम ठीक है, साढ़े कोई आवे तो प्रॉब्लम है। ये सारे हाजमोला चाहिए है इन्हों होर कोई नहीं, इन्हों कोई चले जाए तो बहुत चंगी गल, साडे वेले कोई आ जाए साडे पार्टी वाले तो इन्हों ढिड पीड़। ये बड़ी दुखदाई गल है कि दुनिया भर च जो यह जी यादगारा ने उन्होंने प्रिजर्व किया जाता, मगर इतने प्रिजर्वेशन नहीं की, इतने था ब्यूटीफिकेशन तो रेनोवेशन करती है, चक के बिल्कुल ही तब्दीली करती है जिहड़ी नहीं होनी चाहिए। असी भी महसूस करते हैं कि जो कई जगह पर जाओ जिहड़े कई देशों ने तो वो सीन नू एज इट इज रिस्टोर किया है, या जे खून के धब्बे पे आ उन्हों भी रिस्टोर करने की कोशिश की है। और इस तरीके का बिल्कुल एक मॉडर्न लुक देना, उत्थे रंग बिरंगियां लाइटां जगानियां लाइट एंड वो लाइट शो करना आए थिंक ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है जी, ये नहीं चाहिए। सर्वे होया जी, ये बहुत चंगी गल है जी, ये सर्वे बड़ा चंगा होया, साडे तां ये सर्वे हमेशा फायदा करके गया। पिछली बारी आही सी वोटर ने सर्वे किया सी आपदा और इन्होंने कहा सी इन्हां नू 90 तो 100 सीटां आउणियां कांग्रेस नू। आ मैं को कागज़ है मैं थोनू चाहिए तो शेयर कर लो, तुसी रेफरेंस पॉइंट लई रख लियो। 2017 दे ओपिनियन पोल इन्होंने कढ़िया सी, 11 सीटां दित्तियां सी कांग्रेस नू ते आईयां 77 ते जिन्हां नू दित्तियां सी 97 उन्हां दी आईयां 20 आप नू, ऐतकी दित्तियां 50 तो 55 ते जदों 97 दित्तियां 20 आईयां ते हुण 50 दे रहे ते मैनूं लगदा इक सर एयरपोर्ट वी जिहड़ा ना ओह अमृतसर एयरपोर्ट वी आ जा रहा है कि एयरपोर्ट नहीं कर रहे ने ते होर वी इस तरह दे कई रेलवे स्टेशन वी अमृतसर दा उहदे च जी देखो कई चीज़ां प्राइवेटाइज होनिया मैं समझदा है देश दे हित च नहीं है और हर चीज़ नू प्राइवेटाइज करना और स्पैशली दो घरानियां दे हाथ च देना असी उहदे खिलाफ हाँ। और जिस ते वड्डी गिनती च क्योंकि सूबा एक वैलफेयर सूबा होंदा, वैलफेयर सूबे नू अपनी जिम्मेवारियां हेल्थ च एजुकेशन च और मैं रेलवेज भी कह सकदा क्योंकि रेलवेज नू वड्डी गिनती यूज लोअर इनकम ग्रुप वाले करते हैं और यह जी चीज़ां नू प्राइवेटाइज करना फिर सारी चीज़ों के रेट वधूगे और बोझ आम लोगों पर पैना जिदे मैं खिलाफ।
ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਖੜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।